अगर आप बिहार बोर्ड की 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। अगर आप 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा को हल्के में ले रहे हैं तो ये गलती आपका एक साल बर्बाद कर सकती है। जी हाँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साफ आदेश दिया है कि जो बच्चे 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहेंगे उनका नामांकन आगे की क्लास में नहीं होगा। उन स्टूडेंट्स को एक साल और उसी क्लास में रहकर पढ़ना होगा। इसको लेकर बिहार बोर्ड सख्त रुख अपनाने जा रहा है, साथ ही सभी विद्यार्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए चेताया भी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के जोड़ दो विद्यालयों में 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 11वीं कक्षा में नामांकित सभी विद्यार्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है। कुछ विद्यार्थियों के इस परीक्षा में शामिल नहीं होने की सूचना प्राप्त हो रही है, जो अनुचित है। इससे जुड़े सभी पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में नामांकन कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 12वीं कक्षा में 11वीं के उन्हीं विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा जो इस वार्षिक परीक्षा में शामिल हो गए और उत्तीर्ण होंगे। इसी प्रकार 16 मार्च से शुरू हो रहे 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में नामांकन लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। 10वीं कक्षा में 9वीं के उन्हीं विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा जो इस वार्षिक परीक्षा में शामिल होकर उत्तीर्ण होंगे। आपको बता दें कि 9वीं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च से 20 मार्च तक आयोजित होगी। वहीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा शुरू है और 20 मार्च तक चलेगी। लोकल 18 बिहार से सचिदानंद की रिपोर्ट।